इस शुक्रवार रिलीज होंगी 3 फिल्में। जानिए परिवार संग देखने के लिए कौन सी है फिट। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सिनेमा घरों में एक बार फिर फिल्मों की रिलीज ने रफ्तार पकड़ ली है। इस शुक्रवार तो 3 फिल्में आ रही है, जिनमें से एक फिल्म अडल्ट भी है। इन तीनों फिल्मों की पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। बॉक्स ऑफिस पर आने वाला शुक्रवार काफी बिजी रहने वाला है। काफी अरसे बाद 3 फिल्मों का जमघट सिनेमाघरों में लगेगा। ये फिल्में हैं तापसी पन्नू की शाबाश मिट्ठू, रामगोपाल वर्मा की लड़की और राजकुमार राव की हिट द फर्स्ट केस। तीनों फिल्में अलग अलग जॉनर की हैं और अलग कहानियां कहती हैं। इन फिल्मों का सर्टिफिकेशन हो गया है। आपकी सुविधा के लिए बता दें कि किस फिल्म को कौन सा सर्टिफिकेट दिया गया है। तापसी पन्नू की शाबाश मिट्ठू एक स्पोर्ट्स फिल्म है, जिसका निर्देशन श्रीजीत मुखर्जी ने किया है। यह महिला क्रिकेट की लेजेंडरी खिलाड़ी मिताली राज की बायोपिक है। तापसी फिल्म में मिताली के किरदार में है। कुछ वक्त पहले मिताली ने संन्यास की घोषणा के बाद यह फिल्म खेल प्रेमियों के लिए काफी अहम हो गई है। फिल्म के जरिए वो अपनी पसंदीदा खिलाड़ी की जिंदगी को पर्दे पर देख सकेंगे। राजकुमार राव और सानिया मल्होत्रा स्टारर हिट द फर्स्ट केस एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। हिट इसी नाम से आई तेलुगु फिल्म का आधिकारिक रीमेक है। निर्देशन शैलेश कोलानू ने किया है, जो ओरिजिनल फिल्म के भी निर्देशक हैं। राजकुमार राव एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में है, जो एक लड़की की जान बचाने में जुटा है। सानिया मल्होत्रा का किरदार उनकी पत्नी का है। 2 घंटे 16 मिनट अवधि की इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने UA सर्टिफिकेट दिया है, यानी इस फिल्म को 12 साल से कम उम्र के बच्चे देख सकते हैं, मगर माता पिता के गाइडेंस में। राम गोपाल वर्मा की फिल्म लड़की एक मार्शल आर्ट्स मूवी है, जिसमें पूजा भालेकर ने लीड रोल निभाया है। फिल्म में पूजा के किरदार को ब्रूस ली का जबरा फैन दिखाया गया है। पूजा असल जिंदगी में भी मार्शल आर्ट्स की एक्सपर्ट हैं। अपने इस स्किल का उन्होंने फिल्म में भरपूर फायदा उठाया है। लड़की भारत के साथ चीन में भी 40,000 से अधिक स्क्रीन्स पर रिलीज की जाएगी। फिल्म साउथ की भाषाओं के साथ हिंदी में भी रिलीज होगी। 2 घंटे 13 मिनट अवधि वाले हिंदी वर्जन को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया है, यानी इस फिल्म को 18 साल से कम के युवा और किशोर सिनेमाघरों में नहीं देख सकेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ टुडे 24।